गुड डे गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस्ड एल्डोल। आप जानते हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स, और बोर्ड के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग मिक्स एल्डोल भी बोलते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि ये क्रॉस्ड एल्डोल होता क्या है और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ये रिएक्शन एप्लीकेबल है हर उस जगह जहां पर दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स रिएक्ट कर रहे हो, यानी दोनों एल्डिहाइड क्या होने चाहिए, डिफरेंट, या दो डिफरेंट कीटोन्स रिएक्ट कर रहे हो, या एक कीटोन और एक एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा हो। एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन कीटोन्स या एल्डिहाइड में जरूरी है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, टारगेट स्टार पॉइंट नंबर वन। पहली बात, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है। ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है या बेस की प्रेजेंस में हो रहा है। सबसे पहले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इसका मतलब अगर दिया होगा OH- की प्रेजेंस में, तो जो अल्फा हाइड्रोजन होगी लोअर एल्डिहाइड की, वो ज्यादा एसिडिक होगी और वो माइग्रेट करेगी। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, CH3CH2CHO प्लस CH3CHO, ये दोनों एल्डिहाइड्स हैं और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम इसको OH- की प्रेजेंस में ट्रीट करें, यानी बेस की, तो एक चीज देखिए, CH3CHO लोअर एल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि इसमें दो कार्बन है और बगल वाले में कितने कार्बन है, तीन। तो जो CH3CHO की अल्फा हाइड्रोजन होगी वो ज्यादा एसिडिक होगी और वो माइग्रेट करेगी। तो रिएक्शन कैसे होगा, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है आपको दिख रहा है उसमें जो C डबल बॉन्ड O है, उसका जो डबल बॉन्ड है वो O की तरफ टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और जो सेकंड मॉलिक्यूल है यानी CH3CHO, उसको हम लिखेंगे HCH2CHO। H अलग क्यों कर दिया हमने, क्योंकि वो अल्फा हाइड्रोजन है और वो लोअर एल्डिहाइड है और वो एसिडिक है, तो वो माइग्रेट करेगी, ठीक है। तो जब बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और CH3CHO टूटेगा H प्लस प्लस CH2-CHO, आपको दिख रहा है। अब तो आप बड़ा सिंपल है, आप जानते हैं H प्लस जाएगा O माइनस पर और CH2-CHO जाएगा C प्लस पे, तो कंपाउंड देख लीजिए आपके सामने बन गया है। ये कंपाउंड तब बनेगा जब बेस की प्रेजेंस में ट्रीट हुआ, ठीक है। अब इसी सवाल को हम लोग लेते हैं H प्लस की प्रेजेंस में, इसका मतलब है एसिड की प्रेजेंस में। तो जो हायर एल्डिहाइड है, हायर एल्डिहाइड का मतलब हो गया जिसमें ज्यादा कार्बन एटम है, उसकी जो अल्फा हाइड्रोजन है वो माइग्रेट करेगी। तो रिएक्शन फिर से करते हैं, CH3CH2CHO प्लस CH3CHO इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो अब की बार हायर एल्डिहाइड की जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक मानी जाएगी। तो CH3CHO में जो C डबल बॉन्ड O है, वो किस पे टूटेगा, ऑक्सीजन पे, ठीक है, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से जो CH3CH2CHO है, H प्लस अलग हो जाएगा, ये चला जाएगा ऑक्सीजन माइनस पर, आपको दिख रहा होगा, और जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है हमारे फर्स्ट मॉलिक्यूल में वो अटैच हो जाएगा C प्लस पर, तो कंपाउंड बन गया आपके सामने। यानी हमें एक चीज समझ में आ गई, अगर OH- की प्रेजेंस में होगा तो जो लोअर एल्डिहाइड है उसकी अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक मानी जाएगी, और अगर एसिड की प्रेजेंस में है तो जो हायर एल्डिहाइड है उसकी अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक मानी जाएगी। अब आते हैं टारगेट स्टार पॉइंट नंबर टू पे। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था एल्डोल कंडेंसेशन वीडियो में अपने, कि अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, दैट इज अ प्राइमरी कंडीशन, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो आपको टारगेट स्टार पॉइंट में पढ़ाए जाते हैं। बेंजाल्डिहाइड C6H5CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो होती नहीं है, लेकिन अगर बेंजाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा बेस की प्रेजेंस में, तो याद रखना एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मिलेगा। तो वो कैसे होगा, बड़ा सिंपल है, C6H5CHO प्लस CH3CHO, तो जाहिर है CH3CHO वाली अल्फा हाइड्रोजन मूव करेगी क्योंकि बेंजाल्डिहाइड में तो है नहीं, तो रिएक्शन बड़ा सिंपल होगा। रिएक्शन में जो बेंजाल्डिहाइड का डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे टूटेगा, क्यों टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड टूटेगा H प्लस प्लस CH2CHO माइनस, अब तो बड़ा सिंपल है, आपको दिख रहा होगा H प्लस जाएगा O माइनस पर और CH2-CHO जाएगा C प्लस पे, तो फाइनल कंपाउंड आपके सामने है, ठीक है। अब आते हैं टारगेट स्टार पॉइंट नंबर थ्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद कीटोन, क्योंकि हमने एल्डिहाइड एल्डिहाइड का तो पढ़ लिया, अब जब एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, याद रखिएगा जो अल्फा हाइड्रोजन होती है कीटोन की उसको एसिडिक माना जाता है और वो ही हमेशा माइग्रेट करेगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा सिंपल है, CH3CHO प्लस CH3COCH3, इसमें एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है, तो जो कीटोन की अल्फा हाइड्रोजन है वो मूव करेगी, तो कंपाउंड कैसे बनेगा, जो CH3CHO में डबल बॉन्ड है वो किस पे टूटेगा, ऑक्सीजन पे,
और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इधर कीटोन टूट गया है, H प्लस अलग हो गया है जो अल्फा हाइड्रोजन, प्लस CH2 माइनस COCH3। अब तो बेसिक है, H प्लस O माइनस पे जाएगा और CH2 माइनस COCH3 जाएगा C प्लस पे। प्रोडक्ट आपके सामने है, आप आसानी से कर सकते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं टारगेट स्टार पॉइंट नंबर 4, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने डिस्कस किया हुआ अपने अर्लियर वीडियोस में, एल्डिहाइड और कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए एल्डोल के लिए। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO में अल्फा हाइड्रोजन होती नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। फॉर्मेल्डिहाइड याद रखिएगा PaOH होल ट्वाइस या CaOH होल ट्वाइस, यानी बेस की प्रेजेंस में रिपीटेड एल्डोल करता है और एक फॉर्मोस नाम की शुगर बना देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है फॉर्मेल्डिहाइड ही अकेला एक्सेप्शन है HCHO जो एल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन आपके सामने है। HCHO इन प्रेजेंस ऑफ BaOH होल ट्वाइस और CaOH होल ट्वाइस क्या बनेगा, 6 कार्बन्स वाला एक कंपाउंड बनेगा जिसमें 5 कार्बन्स जो हैं उनमें OH ग्रुप होगा और जो 6th कार्बन है जैसा आपको दिख रहा है वो CHO होगा एल्डिहाइड वाला। दिस इज अ टाइप ऑफ शुगर, इसे फॉर्मोस शुगर कहते हैं। आई थिंक अब तक जो हमने आपको पढ़ाया 4 पॉइंट्स, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। कांग्रेचुलेशंस, आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है, लेसन कंप्लीट, और उम्मीद करते हैं आपको क्रॉस एल्डोल समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क अस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।